हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? फ्लो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम समी है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडर सब्सक्राइबिंग। यार बहुत दिनों बाद हम लोग शर्ट पे वीडियो बना रहे हैं इस चैनल पे, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब जो लुक है ना एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। अगर आप एक व्लॉगर हो, व्लॉगिंग करते हो अपने मोबाइल फोन से या फिर गोप्रो से या फिर एक्शन कैमरा, सो यार मैं आपके लिए एक बेस्ट डील लेके आया हूँ। बेसिकली मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था। ये है थ्री वे ग्रिप आर्म ट्राइपॉड। पहले हम लोग इसके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, सारी जो है हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बेसिकली इसकी प्राइसिंग जो है ज्यादा नहीं है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये 600 रुपीज के अंदर आपको अमेजोन में मिल जाएगी। और इसका जो लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हो अगर आपको परचेस करना हो तो। ठीक है, इसका हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस कैसा है, सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे पहली मरतबा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें, ताकि जैसे हम लोग नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यार वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हो। तो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस ट्राइपॉड के बारे में और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी। तो गाइस ये है बॉक्स जहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं। थ्री वे ग्रिप आर्म ट्राइपॉड, मोनोपॉड स्टैंड मिनी ट्राइपॉड, इसको जो भी आप कह सकते हो यहाँ पे सारे स्लैश मोनोपॉड स्लैश स्टैंड स्लैश मिनी ट्राइपॉड, ये सारी चीजें आप कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी अप टू 500 ग्राम तक एक कैरी कर सकता है और होल्ड कर सकता है आराम से। उसके साथ इसका जो लेंथ ऑफ एक्सटेंशन है वो 20 सेंटीमीटर से लेके 62 सेंटीमीटर तक रहेगा। मेन मटेरियल यानी ये किस मटेरियल से बना है, ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना है जो प्लास्टिक से काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है। नेट वेट यहाँ पर 204 ग्राम्स इसका वेट है और कलर जो है ब्लैक कलर में अवेलेबल रहता है। इसके तीन कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, ब्लैक, ग्रे और व्हाइट। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में इसको परचेस किया है। मैंने इसको यूज भी किया है, मैंने सोचा इसको आपको बता देता हूँ क्योंकि ये काफी मॉडर्न और काफी ज्यादा बेहतरीन मुझे प्रोडक्ट लगा, इसलिए मैंने इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो करने का सोचा। ठीक है, और सामने की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फोटो लगा रखा है। इस तरफ कुछ नेमिंग है, यहाँ पे भी नेमिंग है। तो पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रैप मिल जाएगा कैरी करने के लिए, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, उसको साइड में रखते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ मोबाइल होल्डर दे रखा है, मोबाइल होल्डर जो टिपिकल होल्डर्स रहते हैं छोटे मोबाइल फोन्स के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं अभी साइड में रख लेता हूँ और हमारे मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना है, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और स्ट्रांग भी लग रहा है। तो इसको मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको इस तरफ से लूज करना है इस की को। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन आर्म हो गया, यहाँ पर एक लॉकिंग सिस्टम है, इसको इस वाले आर्म को निकालेंगे। सबसे पहले इस की को लूज करना है और यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा, प्रेस करते वो की जो है लॉक अनलॉक हो जाता है और इसको आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो और जैसे चाहे आप एंगल से लगा सकते हो। इस तरफ एक माउंट मिल जाता है, ये गोप्रो के लिए है। अगर आप मोबाइल फोन लगाते हो उसका मोबाइल फोन का अलग से मिल जाता है, इसी के साथ मिल जाता है। यहाँ पे मैंने जब ओपन किया था तो कहीं पड़ा होगा, तो फिलहाल के लिए आप गोप्रो का इसको लगा सकते हो। इस वाली की को आप फिट करना है और इस तरह से आप अपना और व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हो। ठीक है, जो मेरा एक्शन कैमरा है ना उसके लिए मैंने इसको इस तरह से मोल्ड किया है, क्योंकि जब ये एक्सटेंड हो जाता है एक्शन कैमरा है ये थोड़ा सा हैवी लगने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा शेक हो जाता है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ये अप टू 500 ग्राम तक ही रहेगा। अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इसका मटेरियल काफी स्ट्रांग है, बस शेक हो रहा था तो मुझे लगा कि इसके फुटेज वगैरह खराब आएगी, तो इसके लिए मैंने इस तरह से सेटअप बनाया। और ये सेटअप भी काफी वाइड एंगल देता है अपने एक्शन कैमरा में, और इस तरफ अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। ग्रिप भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और होल्ड करने में भी प्रीमियम फील हो रहा है। और ये होने के बाद आपको एक और मजेदार चीज मिल जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये सेल्फी स्टिक हो गई है। अगर आपको ट्राइपॉड बनाना है, छोटा सा मोनोपॉड आपको नीचे की तरफ मिल जाता है, आप अगर एक्शन कैमरा में कोई टाइम लैप वगैरह शूट करते हो तो उसके नीचे की तरफ आपको ये छोटा सा मोनोपॉड मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी भी काफी प्रीमियम लग रही है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा शेकी होता है, फिर भी होल्ड करने के लिए काफी सही है। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ फिट कर देता हूँ और इसको इस तरह से रख सकते हैं।
तो ये काफी अच्छा है यार, मतलब बहुत ज्यादा हैंडी है और थोड़ा मॉडर्न टाइप में भी लगता है, थोड़ा स्ट्रांग भी है और इसमें आप अपने एक्शन कैमरा से व्लॉगिंग वगैरह काफी अच्छे से कर सकते हो। सो गाइस, ये था एक सिंपल सा अनबॉक्सिंग का वीडियो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आता है, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो या फिर डिसलाइक कर सकते हो, और चैनल पे पहली मरतब है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।